मेम साहब। हाँ बोलो, और कर दिया तुमने सारा काम? हाँ मेम साहब, काम तो मैंने सारा कर दिया। चलो अच्छा है। मेम साहब, मैं आपसे कुछ कह रहा था, आपने मुझे थोड़े पैसे दे देती। पैसे? वो तो मैंने एक हफ्ते पहले ही दिए थे ना तुम्हें। मेम साहब, आपने मुझे 2000 रुपये दिए थे, वो इधर उधर के खर्चे में उठ गए। मेरे बेटे के पेपर थे, कुछ पैसों की मैंने फीस जमा कर दी ताकि वो पेपर दे सके। अच्छा, वैसे कौन सी क्लास में आ गया तुम्हारा छोटू? मेम साहब, वो ना दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, और स्कूल के मास्टर कहते हैं कि वो पढ़ने में बहुत तेज़ है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर, तुम तो कुछ नहीं कर पाए, क्या पता तुम्हारा बेटा ही कुछ कर दिखाए। हाँ मेम साहब, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ उसे कि वो पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी संभाल ले। अरे वो ना अपनी ज़िंदगी ज़रूर संभाल लेगा, बस तुम ना उसे अच्छे से पढ़ा लेना। हाँ मेम साहब, पढ़ा ही रहा हूँ मैं उसे बहुत अच्छे से। चलो कोई बात नहीं। वैसे तो मुझे ये बताओ, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? मेम साहब, आप मुझे बस 1000 रुपये दे दो। बस 1000 रुपये ही चाहिए? हाँ मेम साहब। रुको, मैं अभी देती हूँ। धन्यवाद मेम साहब। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये पैसे ना तुम्हारी मेहनत के हैं। अच्छा सुनो, वहाँ पर ना गंदा हो रहा है, वहाँ पर तुम झाड़ू लगा देना। और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मुझे बता देना। ठीक है मेम साहब, कर दूंगा मैं वहाँ की सफाई। ठीक है, तुम जाओ। भैया आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तू इतनी जल्दी क्यों आ गई यहाँ पर? भैया मुझे ना कुछ काम था, इसलिए मैं जल्दी आ गई। और हाँ, ये ना फाइल है, इस पे आपकी साइन की जरूरत है, आप साइन कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ। अरे मिष्टी, पेन दिखाई नहीं दे रहा, पेन कहाँ है? भैया यहीं पर देख लो, यहीं पे होगा, वरना रोज ना होगा। यहाँ देख लो। ठीक है, अभी देखता हूँ। अरे मिष्टी, यहाँ पर 2000 रुपये रखे थे, तूने उठाए हैं क्या? हाँ भैया, मैंने ही उठाए हैं। अपने यहाँ जो नौकर है ना, मैंने 1000 रुपये उसे दे दिए और 1000 रुपये यहाँ पर रखे हैं। क्या तेरा दिमाग चल गया है क्या? कितनी बर्बादी करेगी? अभी तो मैंने उसे पैसे दिए थे और फिर तूने दे दिए। भैया ये आप क्या बोल रहे हो? वो हमारे घर में काम करता है, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम देंगे ही ना। वो हमारे घर का सदस्य है क्या जो हम उसे पैसे देंगे? वो नौकर है, उसे नौकर के हाथ में रहने दे। और बात रही पैसों की, पैसे तो हम उसे टाइम पर देंगे। ये तो चोचले होते हैं गरीब लोगों का पैसे मांगने के। भैया ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उसे ना बहुत ज़रूरत थी पैसों की। देख, पैसों की तो सबको ज्यादा जरूरत होती है, किसी को कम नहीं होती। आगे से किसी नौकर को पैसे देना तो पहले मुझसे पूछ लेना। ठीक है भैया, मैं आगे से ना आपसे पूछकर ही पैसे दूंगी। लेकिन उस नौकर के घर में ना, घर में खाने को भी नहीं था, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए हैं। बस रहने दे, आज तूने उसे पैसे दे दिए, कल फिर वो आएगा पैसे मांगने और बोलेगा मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है। अब ये थोड़ी ना है कि तू उसे तीसरे दिन पैसे देगी। क्या भैया आप भी? वो रोज रोज थोड़े नहीं आ रहा है हमारे घर में पैसे मांगने। और वैसे भी मैं आगे से ना आपसे बिना पूछे किसी को पैसे नहीं दूंगी। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मैं ना उस पर ये पैसे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी लेकर आता हूँ उससे पैसे। क्या भैया, अब आप अच्छे थोड़े नहीं लगोगे पैसे मांगते हुए? मैं अच्छा लगूँ या ना लगूँ, मैं उससे पैसे लेकर ही आऊँगा। तू चुप से अपना काम कर। मालिक आप यहाँ, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। चल कोई बात नहीं, मैं ही आ गया। वैसे तू मुझे ये बता, मुझे टाइम पर तनख्वाह नहीं मिल रही क्या? नहीं मालिक, ऐसा नहीं है, आप मुझे तनख्वाह टाइम पर ही तो देते हो। अच्छा, तो फिर तेरा ड्रामा क्या है रोज रोज पैसे मांगने का? मालिक घर में खाने को नहीं था, इसलिए ही तो मैंने मेम साहब से पैसे लिए हैं, वरना मैं कभी ऐसे पैसे नहीं मांगता। चुप कर, हम तेरे नौकर नहीं हैं जो हम तुझे पैसे देंगे, बल्कि तू हमारा नौकर है। जो हम तुझे पैसे देंगे ना तब तू पैसे लेगा, समझा तू? ठीक है मालिक, मैं आगे से कभी ऐसे पैसे नहीं मांगूंगा। जब महीना पूरा होगा मैं तभी पैसे लूँगा। हाँ हाँ ठीक है, जो तो भी पैसे लेकर आया है ना वो वापस कर जल्दी से। मालिक उन पैसों को मेरे पास ही रहने दो ना, मुझे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे फिर से तो वही बकवास करने लगा, अभी 8 दिन पहले तो मैंने तुझे पैसे दिए थे। तो रोज़ रोज़ ना पैसे मांगने मत आया कर मेरे सामने मुँह उठा कर। ठीक है मालिक, मैं आपके पास नहीं आऊँगा पैसे मांगने, लेकिन आज आप मेरी मदद कर दो। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरे घर में खाना नहीं बनेगा। मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेरे घर में खाना बने या ना बने। मालिक आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप भी तो एक इंसान हो ना, आप मेरा दर्द क्यों नहीं समझते हो? अगर हम लोग तुम गरीबों का दर्द समझने लगे ना तो हमें अपना बिजनेस छोड़कर सड़कों पर कटोर लेकर बैठना पड़ेगा। खैर वो सब छोड़, पैसे कर वापस जल्दी से। ठीक है मालिक, ये लो, अगर आपका इन पैसों से कुछ काम बनता है तो आप रख लो। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, आ तो गया मैं। पापा बहुत तेज भूख लग रही है, खाना बना दो। बेटा आज हमारे घर में खाना नहीं बनेगा, तुझे ऐसे ही सोना पड़ेगा। जा पापा। हाँ बेटा, आज मैं मालकिन से राशन के लिए पैसे ला तो रहा था, लेकिन मालिक ने ना मुझसे पैसे वापस ले लिए, इस वजह से मैं घर का राशन नहीं ला पाया। पापा मैं भूखा कैसे सोऊंगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा। बेटे भूखा तो सोना ही पड़ेगा, अब हम क्या करें जब हमारी किस्मत में ऐसा ही है तो। ठीक है पापा, मैं सो जाऊंगा। ठीक है बेटा। अरे छोटू उठ जा। अरे मालकिन आप? हाँ मैं। और तुम्हारे पापा कहाँ पर है? मालकिन पापा तो अंदर सो रहे हैं, बुला कर लेके आना। मालकिन आप यहाँ मेरे घर पर? वो ना मैं तुम्हारे लिए कुछ घर का सामान लेके आई थी, इसमें ना थोड़ा राशन है जो तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। क्या मेम साहब राशन? अगर साहब को पता चल गया तो? भैया को ना कुछ पता नहीं चलेगा, वो ना मैं ये राशन चोरी चोरी लेके आई हूँ। और वैसे भी कल ना मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी कि तुम्हारे घर में राशन नहीं है। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम गरीबों के बारे में इतना सोचा। कम से कम अब मेरा छोटू भूखा तो नहीं सोएगा। तुम ना कभी भूखे नहीं सोओगे जब तक मैं जिंदा हूँ, और ना ही तुम्हें किसी चीज़ की कमी आने दूंगी। मैम साहब आप कितनी अच्छी हो जो हमारे बारे में इतना कुछ सोचती हो। और एक साहब है पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या सोचते हैं, वो हम गरीबों का दर्द कभी नहीं समझते। देखो जिंदगी में हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, और हाँ धीरे धीरे अकल ना सबको ही आ जाती है। हाँ मैम साहब ये तो है। ठीक है अब मैं चलती हूँ, तुम खाना बना के अच्छे से खा लेना, और हाँ काम पे ना टाइम से आ जाना। ठीक है मैम साहब। पापा जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बेटा मैं अभी बनाता हूँ खाना। अरे तू अब कर रहा है यहाँ की साफ सफाई, क्या बात है? आने में लेट हो गया था क्या? हाँ मालिक आने में थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन आप फिक्र मत करो मैं सारा काम एकदम कर दूंगा। हाँ काम तो तू कर ही देगा, लेकिन मैं पैसे ना तुझे लेट आने के नहीं देता, कल से टाइम से आ जाना। ठीक है मालिक कल से मैं टाइम पर आ जाऊंगा काम पर। ठीक है चल अब काम कर ले। भैया आप यहाँ आ गए, मैं आपको घर पर ढूंढ रही थी। अच्छा कुछ काम था क्या? बोल। हाँ भैया काम तो था, वो ना घर पे बिजली का बिल जमा करवाने वाले आए थे, आप ना बिजली का बिल जमा कर देना। हाँ हाँ कर दूंगा। एक तो काम अच्छे से नहीं चल रहा और ऊपर से इतने खर्चे, मैं तो तंग आ चुका हूँ। भैया अब कोई भी हो, अब कोई बड़ा काम करता है तो खर्चे ज्यादा होते ही है ना। ये बात तो सही है तेरी। अरे ब्रजेश जरा एक गिलास पानी ले आना। ठीक है मालिक अभी लाया। ये लो पानी। अरे ये क्या पानी लेकर आया है तू? क्यों मालिक क्या हुआ? तुझे दिख नहीं रहा ये गिलास गंदा है और इसमें नौकर पानी पीते हैं, क्या मैं इसमें पानी पीऊंगा? मालिक वहाँ पर कोई और गिलास नहीं रखा था, यही गिलास रखा था इसलिए मैं इसमें पानी ले आया। अच्छा तो तू अंधा है, तुझे सही गलत का नहीं पता, और वहाँ पर गिलास नहीं थे तो तू पानी नहीं लाता। मालिक आप परेशान मत हो, मैं दोबारा लाता हूँ पानी। बस बस रहने दे, प्यास बुझ गई मेरी, इसे तू ही पी ले। अरे भाई क्या हो गया? वो अभी लात हो रहा है ना दोबारा पानी, उसे पी लेना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसे पता होना चाहिए मैं कौन से गिलास में पानी पीता हूँ। ये स्टील के गिलास में पानी लाया है जिसे मैं कभी नहीं पीता। तुझे तो पता है ना मैं हमेशा कांच के गिलास में पानी पीता हूँ। कोई बात नहीं भैया वो दोबारा ले आएगा पानी, आप दोबारा में पी लेना। मुझे नहीं पीना पानी, ओए तू जा और कुछ काम कर ले जाकर। ठीक है मालिक। अरे छोटू क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पापा मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। क्या बेटा तुझे बुखार चढ़ गया? बेटा तुझे तो सच में बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है, तेरी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। पापा जल्दी से मेरी दवाई ला दो। बेटा तू रात रात बर्दाश्त कर ले, मैं सुबह को मालिक से पैसे ले आऊँगा और तेरी दवाई ला दूंगा। पापा मेरी कल दवाई जरूर ले आना। हाँ बेटा, मैं तेरी कल सुबह दवाई पक्का ले आऊँगा। अब तू आराम कर। बेटा अब कैसी तबीयत है तेरी? पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा तेरी अभी तक तबीयत सही नहीं हुई। मैं मालिक के पास जाता हूँ, उनसे पैसे लेकर तेरी दवाई ले आऊँगा। पापा जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मालिक मुझे ना आपकी मदद चाहिए थी। मदद चाहिए थी? कैसी मदद चाहिए थी बोल? और तू इतनी सुबह सुबह क्यों आया है? मालिक वो ना मुझे पैसे चाहिए थे। मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मुझे उसकी दवाई लानी है। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तेरी चालाकी। तुम लोगों का ना यही पैसा होता है, आ जाते हो मजबूरी लेकर। मालिक बस आज आज मेरी मदद कर दो। आगे से मैं कभी आपसे मदद नहीं मांगूंगा। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा बेटा मुझे छोड़ कर चला जाएगा। देख मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, और बात रही पैसों की, वो तो मैं तुझे महीना पूरे होने पर दूंगा, क्योंकि आज तेरा ये बहाना है, कल को दूसरा बहाना होगा। मालिक मैं कभी कोई बहाना लेकर नहीं आऊँगा, बस आज आप मेरी मदद कर दो। देख इस मामले में ना मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अब जा यहाँ से और काम कर ले। मालिक आप ये बहुत गलत कर रहे हो, भगवान आपके साथ अच्छा नहीं करेगा। हाँ हाँ जा यहाँ से। छोटू मुझे माफ कर दे, मैं पैसों की वजह से तेरी दवाई नहीं ला पाया। छोटू तू उठ क्यों नहीं रहा? तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? कहीं तू मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया? ये कैसी दुविधा है, कैसी ये छोटू 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 अरे ब्रजेश, तुम्हारा बेटा कैसा है? और उसकी पढ़ाई तो सही चल रही है ना? मेम साहब अब वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? और ये सब कब हुआ? वो ना मेम साहब उसे बहुत तेज बुखार था, मैं टाइम पर उसकी दवाई नहीं ला पाया, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। अरे मिष्टी छोड़ना, उसे मरना था तो वो मर गया, तू भी कहाँ उसकी बातें लेकर बैठ गई। कुछ काम कर लेना। भैया उसका ना बेटा मरा है, अगर मैंने पूछ भी लिया तो क्या हो गया? अब पूछ लिया ना, बात खत्म। ओए तू अपना काम कर। अरे मिष्टी पता नहीं अचानक से मेरे सीने में दर्द क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं भैया, कभी कभी हो जाता है। नहीं मिष्टी मेरे सीने में दर्द बढ़ता चला जा रहा है। भैया भैया आप ठीक तो हो ना? मिष्टी मुझे हॉस्पिटल ले चल, वरना मेरी जान चली जाएगी। रुको भैया मैं आपको अभी लेके चलती हूँ। ब्रजेश मेरे साथ भी सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे इनकी हॉस्पिटल ले जाने में मदद कर। नहीं मेम साहब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता इन्हें हॉस्पिटल ले जाने में। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी ना हॉस्पिटल ले जाने में तो इनकी जान चली जाएगी। मालकिन ये तो बच ही जाएंगे, इन्हें हॉस्पिटल तो इनकी धन दौलत ले जाएगी। अरे मालिक बोलो ना अपनी दौलत से वो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाए। मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम इंसानियत के नाते ही सही इनकी मदद कर दो। ठीक है मालकिन, आज मैं आपके कहने पर इनकी मदद कर तो दूंगा, लेकिन इंसान को ना कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि दौलत कभी किसी के काम नहीं आती, इंसान ही इंसान के काम आता है। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मेरे भाई की? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ ठीक है। याद रखना इनका पहला हार्ट अटैक है और दूसरा हार्ट अटैक ना आए। ये लो दवाई लिख दी है, इन्हें टाइम से दवाई खिला देना। अब मैं चलता हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अब मैं ठीक हूँ। ब्रिजेश कहाँ पर है? उसे बुलाओ। वो बस बाहर ही खड़ा है, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। ब्रिजेश जरा इधर आना। ब्रिजेश तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी जान बचा ली। मालिक वो तो मेरा फर्ज था, मैं नहीं देख सकता कोई मेरे सामने मर रहा हो और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं मरने के लिए। चलो कोई बात नहीं। मिष्टी तुमने उसे अंदर से पैसे लाकर दे दो। नहीं मालिक, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। जिसके लिए मैं पैसे मांगता था अब वो ही नहीं रहा दुनिया में, तो मैं पैसों का क्या करूँगा? ब्रिजेश मुझे माफ़ कर दे, तेरे बेटे की जान मेरी वजह से गई है। मालिक एक बात बोलूँ, अगर किसी की पैसों की वजह से जान बच रही है ना तो उसे पैसे दे देने चाहिए, क्योंकि हम बाद में पैसे तो कमा सकते हैं लेकिन किसी की जान वापसी नहीं ला सकते। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ।